नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूँ उन सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम, एसएससी, सीडीएस, ईपीएफओ, एसएससी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप और जिसके सिलेबस में ये पार्ट है जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, उसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और अपने प्रैक्टिस को बूस्ट करिए अपने प्रिपरेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन को जो इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द डिगोंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग स्पीसीज ऑफ हर्बीवोरस मैमल दैट लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द सी। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है डिगोंग के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एक स्पीसीज है उसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये आज के टाइम पे ओनली स्पीसीज है, यानी कि एकमात्र प्रजाति है जो कि हर्बीवोरस फैमिली से आती है, हर्बीवोरस मैनुअल फैमिली से आती है और रहती कहाँ पे, सी के अंदर रहती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है देर आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इनडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN जो अपनी जो लिस्ट जारी करता है तो उसकी जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट के अंदर इसे क्रिटिकल इनडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास ए वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बी में बोला जो सेकंड ऑप्शन जो है बी, उसमें बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। और सी में बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट ये और सेकंड ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट ऑप्शन डी, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है वो बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकंड ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अब डिगोंग के बारे में जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो डिगोंग क्या है, इसे हम सी में सी ऑफ काउ, ये इसे एक तरह से जो सी सी के अंदर इसे काउ भी बोल सकते हैं। तो यानी कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, सी काउ डिगोंग को बोला जाता है। और ये जो बोला गया था कि भी ये हर्बीवोरस मैमल जो है और जो स्पीसीज रह गई, एकमात्र ऐसी स्पीसीज रह गई है जो सी के अंदर रहती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि करेक्ट है ये। और हमारे से पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए ए हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। सेकंड जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि भी ये IUCN की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे रेड लिस्ट के अंदर डाला गया था, इनडेंजर कैटेगरी के रेड लिस्ट के अंदर डाला गया था, बल्कि ये ऐसा नहीं है, ये वनरेबल लिस्ट के अंदर है, वनरेबल कैटेगरी के अंदर लिस्टेड किया गया इसे, और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें डाला गया, यानी कि इनडेंजर की जगह इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अच्छा, अब हम अपनी कंट्री के अंदर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में इसे जो ये जो जानवर है, ये जो पशु है, ये सिर्फ हमारी कंट्री में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसे IUCN ने जो रेड लिस्ट के अंदर डाला है वनरेबल कैटेगरी, तो हमारी कंट्री में इसके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक लॉ लेके आई गई थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उस लॉ के अंदर, उस के अंदर इसकी देखभाल की जा रही है और इसे बचाने के प्रयास हमारी कंट्री में किए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, यानी कि सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है, इनडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं है बल्कि ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ ठीक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, गालवान वैली समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, गालवान या फिर गालवान ये जो वैली है ये आपको बताना है कि कहां पे इसकी लोकेशन है। तो लोकेशन के हिसाब से आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सिक्किम के अंदर है, सेकंड ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे ये उत्तराखंड में है, थर्ड ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ये लद्दाख के अंदर है, और फोर्थ ऑप्शन डी में बोला जा रहा है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये गालवान वैली जो है आपको बताना है ये इसकी लोकेशन क्या है। आज 2-3 दिन पहले ये काफी न्यूज में था,
अब मैं कंट्री के नाम आपको नहीं बता रहा हूँ कि कंट्री का नाम बताते ही आप लोकेशन भी गैस कर लेंगे। तो हमारा एक नेबर है, उस नेबर के साथ एक इश्यू कंफ्लिक्ट हो गया अभी रिसेंटली, उसकी वजह से ये काफी न्यूज में है, इस वजह से आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया गया मेरे द्वारा। तो आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि लद्दाख। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है, ये अकाई चीन का जो एरिया है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे ये जो एरिया जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है हमारी कंट्री का एरिया, तो इसके बॉर्डर के पास, यानी कि लद्दाख और अकाई चीन का जो एरिया, इसके जो बॉर्डर के पास ये रीजन है जिसका नाम है गैलवान वैली। और ये जो एरिया आता है, ये आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख के अंदर आता है। तो अभी क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी और चाइना की जो आर्मी है, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था कुछ बात को लेकर के, तो यहाँ पे ये काफी न्यूज में बन गया था। तो लोकेशन आई होप समझ गए होंगे कि ये लेह लद्दाख जो हमारे अभी रिसेंटली जो न्यू टेरिटरी बनी है, तो उसके उसके वहां पे ये लोकेशन है इसकी। ठीक है, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इको लेवल के बारे में, और आपके पास यहाँ दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है और गलत स्टेटमेंट क्या है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इको लेवल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इंडिकेट अ प्रोडक्ट दैट हैज फ्यूअर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एज कंपेयर टू द कंप्लीटली सिमिलर प्रोडक्ट। कि भाई इको लेवल का मतलब क्या है कि वो एक इंडिकेट करती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट को, जो कि इंपैक्ट डालती है हमारे एनवायरमेंट को कंपेयर टू द कंप्लीटली सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में फर्क डालने वाली चीज और एनवायरमेंट को जो कम फर्क डालने वाली चीज, उनके बीच में कंपैरिजन वाले को ये शो करती है इको लेवल। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया इको मार्क इज इंडियास इको लेवल स्कीम। कि इंडिया के अंदर, हमारी के अंदर, कंट्री के अंदर इको मार्क क्या है कि इको लेवल करने का एक स्कीम है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। बी सेकंड ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके अंदर। और सी में बोला जा रहा है कि बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है इसके अंदर। और नेक्स्ट डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, इसका मतलब यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है, आपको यह बताना है। आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी, यानी कि बोथ वन एंड टू, दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही करेक्ट है। अब इको लेवल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है क्या चीज ये। इको लेवल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि वो एनवायरमेंट के हिसाब से, यानी कि एनवायरमेंटली प्रेफरेबल है या नहीं है, कि उसके बारे में, कि उस प्रोडक्ट को यूज करके एनवायरमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इस तरह से एक लेवल की जा रही है जिसका नाम रखा गया है इको लेवल हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इसे लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम में, और उस टाइम इसका नाम रखा गया था इको मार्क, और आज के टाइम पे हम इसे क्या बोल रहे हैं, इको लेवल। तो दोनों टाइम आपको याद रखना है, इको मार्क या इको लेवल एक ही बात है। पहले इसे इको मार्क बोला जाता था, अब इसे इको लेवल बोला गया है। तो इसकी जो स्टार्टिंग जो हो गई थी, या रिसेंटली नहीं हुई है बल्कि 1991 में इसे लॉन्च कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो सी, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द तियानवेन वन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तियानवेन वन क्या है, ये जो टर्म है तियानवेन वन, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, और उस हिसाब से आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जैसा कि नीचे बोला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपके लिए, इट इज अ मास मिशन ऑफ चाइना। कि चाइना का मास मिशन, मास मतलब मंगल ग्रह जाने वाला एक मिशन है चाइना के द्वारा, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, इट विल मार्क चाइना एंड थर्ड कंट्री टू अचीव अ मास लैंडिंग आफ्टर द यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि यूएसए, और जो दूसरा बोला जा रहा है यूएसएसआर, जिसे अब
रिसेंटली अभी से बोला जाता है चाइना, सॉरी रशिया। पहले ये क्या था, एक बड़ी कंट्री थी, ग्रुप बहुत सारी कंट्री थी, इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन इसका क्या हुआ, डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, रशिया मेजर पार्ट रह गया, बाकी छोटे छोटे और कंट्री बन गई है। यानी कि आज के टाइम में यूएसएसआर को क्या बोला जाता है, रशिया बोला जाता है। कि रशिया पहली ऐसी कंट्री थी, यूएसए सेकेंड ऐसी कंट्री थी, अब चाइना ऐसी थर्ड कंट्री बन गई है जिसने अपना मास मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो ऐसे करने वाली वो थर्ड कंट्री बन गई है, ये सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, फर्स्ट ऑप्शन ए वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। बी इसमें बोला जा रहा है आपसे कि सेकंड स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट स्टेटमेंट डी जो ऑप्शन जो आपको दे दिया गया है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, नाइदर वन नॉर टू, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो भाई आपके हिसाब से क्या है, एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, सही आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो गया, सी यानी कि बोथ फर्स्ट भी और सेकेंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसके अंदर। यानी कि ये जो 93-1 है, ये जुलाई 2020 में अभी लॉन्च किया जाना है, ऐसा बोला जा रहा है कि लॉन्च किया जाना है। और ये चाइना का फर्स्ट मास मिशन है, और ये ऐसा अगर ये सक्सेसफुली कर लेती है, मतलब ये अगर कर लेती है, तो ये क्या नाम है, ये चाइना जो है यूएसएसआर और यूएसए के बाद, यानी कि रशिया और अमेरिका के बाद ऐसा करने वाली थर्ड कंट्री बन जाती है, अगर वो सक्सेसफुली लैंडिंग करा लेती है वहां पे। और ये जो मेन पर्पज जो है इस 93-1 का है, जो अभी लॉन्च करने वाले हैं चाइना, तो उसमें जो है कि उसकी स्टडी करना है मार्स के बारे में, कि मार्स की जियोलॉजी कैसी है, मार्स में रॉक सॉलिड वगैरह जो है वो किस टाइप के, उनके फीचर्स को जानने के लिए, वहां आइस के बारे में, उसके डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कुल मिला के ये बोलूं कि फॉर्मेशन ऑफ मार्स के बारे में जो भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी की जा सकती है, इसके रिगार्डिंग में ये मिशन लॉन्च किया गया है, मार्स मिशन चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको पहले ये स्टेटमेंट जो है पहले उसको पढ़ना है, और उस स्टेटमेंट के बाद जो नीचे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। तो चलो देख लेते हैं कि करके स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, चारू मुसल इज ए इन्वेसिव स्पीसीज, कि भाई ये इन्वेसिव स्पीसीज है, यानी कि आक्रमक, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये आक्रमक है, सॉरी बोल नहीं पा रहा हूं मैं, आक्रमक प्रजाति में से है, यानी कि अटैकिव नेचर वाला ये स्पीसीज है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है, द इन्वेसिव स्पीसीज कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ नेटिव प्लांट एंड एनिमल, रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी एंड अल्टर्स हैबिटेट्स। यानी कि इस तरह की जो स्पीसीज होते हैं, जो आक्रमक होते हैं, या फिर हम कहें इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं, ये क्या करते हैं कि जो नेटिव प्लांट्स होते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी किसी एरिया के अंदर है, नेटिव प्लांट है या एनिमल है, उनको रिड्यूस करती है। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर या नेचर के अंदर जो भी है, उसको खराब करने में इनका बड़ा रोल होता है, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। यानी कि ये हैबिटाट को खराब कर देती है इस तरह की स्पीसीज, ये बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से, उसे सुन लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है, यानी कि इन्वेसिव स्पीसीज क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज जो आपको बोला जा रहा है कि ये चारू मैसल क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया था। सेकंड में आपसे बोला गया कि भी ये एक तरह से नुकसानदायक है, आप ये बोल सकते हो एक तरह से नुकसानदायक है, ये क्या करती है, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देती है, सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों करेक्ट है। डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि चारुल मैसल जो है ये बिल्कुल भी इन्वेसिव स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। और ये कहां पे है, ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका जो कोस्ट है वहां पे है, यानी कि ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके आसपास के एरिया में
वहां पर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बोला गया कि भी ये क्या करती है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा देती है, नेटिव नेटिव जो प्लांट्स एनिमल है उनको रिड्यूस कर देती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट भी करेक्ट है सेकंड भी करेक्ट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भी मुझे डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा सर्च करना था, आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना था, तो कल जैसे कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऐसी वीडियो खत्म करने से पहले, तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारी कंट्री में क्या क्या है कि एजुकेशन फाइनेंस पॉपुलेशन और फिर उनकी स्टेट की इकोनॉमी, उसके आधार पे ये कुछ फीचर्स है, कुछ फैक्टर है, इनके बेसिस पे हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और कैटेगराइज इस तरह से किया गया है कि एक तो ये कि डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, एक है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट और एक लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से। तो ये जो कुछ नाम है कि डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप, तो इस तरह के जो नाम थे, कुछ कुछ स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको ये नाम पसंद नहीं आए, यानी कि ये जो हम कह सकते हैं ना लीस्ट डेवलप, तो इस तरह के टर्म यूज ना किए जाए, इसलिए इनके नाम चेंज किए गए। जब रिसेंटली जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, हमारी जो न्यू गवर्नमेंट जो आई है, तो उन्होंने इनको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि चांसेस है सबसे ज्यादा ग्रोथ करने की, सबसे ज्यादा डेवलप करने की चांसेस है। तो अब कुछ नए नाम से इनको बोला जाने लग गया कि भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास कि किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में कि भी हमारी कंट्री के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट है या फिर क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मतलब ये मानता हूं ये एमसीक्यू वाला सेशन है, बट थोड़ा सा ये बताना जरूरी था क्योंकि मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। तो हमारी कंट्री के अंदर अभी करंट डाटा के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों, जब से ये जो जेएनके में जो न्यू लॉ आया है, यानी कि उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ है स्टेट का मेमोरी, उसके बाद का जो करंट डाटा के हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट है, 9 यूनियन टेरिटरीज है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो रिसेंट डाटा है उसके हिसाब से 736 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं कि हमारी कंट्री 7 लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और 2nd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये बात है। और अगर हम एशिया के अंदर बात करें तो चाइना के बाद हमारी कंट्री आती है नंबर में, वर्ल्ड वाइड भी और कॉन्टिनेंट वाइड भी, ठीक है। तो ये है। और बाकी इसके अलावा मैं आपके लिए ये लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री के अंदर स्टेट वाइज हर स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि भी जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें कि आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल की बात करें अरुणाचल में 25 है। तो धीरे धीरे कि एक दिन में तो ये आप याद नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, पहले स्टार्ट करिए कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पहले तो वो चेक कर लीजिए कि आपके स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है और नेक्स्ट पेज पे ये एक और ये और है। तो ये कंप्लीट 28 स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 28 स्टेट ये वाला यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लेकर के आपके पास केरला तक और उसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर आपके पास वेस्ट बंगाल तक कितनी डिस्ट्रिक्ट है हर स्टेट वाइज और उनकी कैपिटल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक डिटेल में आपके लिए लेके आया हूं। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और धीरे धीरे स्टेट वाइज स्टेट कवर करना स्टार्ट करिए। पहले आप ये देखिए कि भाई आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं पहले उस स्टेट को देखिए, फिर उसके आसपास के जो नेबर स्टेट है उसको देखना स्टार्ट करिए कितने डिस्ट्रिक्ट है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप। और फिर धीरे 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 जोन वाइज कर सकते हैं आप इसको कैटेगराइज, या फिर जैसे पहले आपने नॉर्थ वाले कर लिए, फिर साउथ वाले कर लिए, कुछ इस तरह से सेंटर वाले कर लिए, ईस्ट वाले कर लिए, वेस्ट वाले कर लिए। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम में आपको एक ब्रीफ आइडिया होने चाहिए, क्योंकि एज इट इज ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, पर इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको स्टेट के बारे में बता दिया। अब न्यू लिस्ट के हिसाब से जो हमारी कंट्री का यूनियन टेरिटरीज है हमारी कंट्री का, वो टोटल 9 है, मतलब रीजन। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा कि इसके अंदर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे दादर नगर, इनको कंबाइंड किया गया है, तो ये थोड़ा डाटा अपडेट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अलग जो क्या नाम है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से कितनी डिस्ट्रिक्ट है इसमें, तो वो उसकी भी लिस्ट है आपके पास। तो ये वन बाय वन अगर आप अभी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल है। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, कुछ और सजेशन है
तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात मतलब ये एमसीक्यू वीडियो की। तो शाम को अगर आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे आप वो भी देख सकते हैं। और कल अभी मैं पूरे मई का मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि पूरे मई में जितना भी करंट अफेयर की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हुए थे, मोस्ट प्रोबेबल जितने भी उसके उसके कंबाइंड वीडियो आपकी 1 जून की आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और पहले से सब्सक्राइब कर रखे तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है।